बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन के लिए हमने चिकन लिए 1.5 पाउंड। इसमें हमने मसाला लगाया है, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून हमने डाला है इसमें लेमन जूस। आधे घंटे के लिए इसको हम रख देंगे साइड पर। आधे घंटे बाद इसको हम बनाएंगे। हाफ एन आवर के लिए इसको मैरिनेशन करने के लिए रख दें। इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं बता देते हैं। 3/4 कप हमारे पास मिल्क है, 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम है, 1 कप टोमेटो प्यूरी है, 1/4 कप हमारे पास मैगी की चिली गार्लिक सॉस है, 1/2 कप हमारे पास केचप है और सॉल्ट है। एक पैन ले लें, उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और उसको मेल्ट करेंगे। 1 टेबलस्पून बटर ये गया और 1 टेबलस्पून और डालेंगे इसमें। आपकी चॉइस है, आप ऑयल में बनाएं, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें बनाएं। हमने इसमें बटर डाला है, जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। बटर मेल्ट हो गया तब इसमें हम 1 टेबलस्पून क्रश जिंजर डाल रहे हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें जाएगी चिकन जो मैरिनेट की थी। फिफ्टीन मिनट्स का टाइमर लगा दें, 15 मिनट्स में ये डन हो जाती है क्योंकि ये बोनलेस चिकन है। इसके बाद जाएंगी ये सब चीज़ें 1 बाय 1। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हमारे पास, ये ऑप्शनल है, 5 मिनट्स चिकन को अच्छी तरह फ्राई करें मसाले के साथ। जब भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और चिली सॉस जो हमने ली थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 5 मिनट्स इसके साथ पकेगा। फिर आखिर में जाएगी इसमें फ्रेश क्रीम और मिल्क। टोटल 15 मिनट्स में ये डन है। इसको अब मैं ढक दूंगी। ये 3 चीज़ें हमारी बाकी हैं अभी इसमें, केचप, दूध और फ्रेश क्रीम। ये हम अभी 5 मिनट बाद डालेंगे। इसको ढक दिया हमने 5 मिनट्स के लिए। फाइव मिनट्स हो गए इसको, तो अब इसमें हम डाल देंगे दूध और फ्रेश क्रीम और केचप, तीनों चीज़ें साथ जाएंगी। दूध से इसकी ग्रेवी बनेगी और फ्रेश क्रीम से, क्योंकि इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डली है ना धनिया डला है, इससे इसकी ग्रेवी आएगी और केचप से ये थिक होएगा। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब 5 मिनट्स रह गए तो टोटल 15 मिनट्स में ये डन है। मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। बहुत टेस्ट में मज़े की होती है वाइट राइस के साथ आप खाएं। आखिर में हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से, अदरक से और हरे धनिया से। फिर
15 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट ये डन है। थोड़ा सा इसमें हम पेपरिका डालेंगे कलर के लिए, फूड कलर डाल सकते हैं आप इसमें कलर के लिए थोड़ा सा, मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ, इसी से पेपरिका से ही कलर आ जाएगा इसमें और तंदूरी मसाले से आ जाता है। अब इस पर हम थोड़ा सा अदरक हरा धनिया हरी मिर्च डालेंगे और डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च और अदरक डाल दिया हमने इसमें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी अभी इसमें। गरम मसाले की चॉइस आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं निकालने से पहले, बिल्कुल आखिर में डालना है गरम मसाला वरना सब सालन काला हो जाता है। बटर चिकन हमारी रेडी है, बनाइएगा ज़रूर इसको, बहुत मज़े की बनती है। आपको अगर और गाढ़ा रखना है तो और गाढ़ा रख सकते हैं इसको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।